नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शून्यम और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में जानने की उत्सुकता आपके अंदर भी होगी। मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप सारी बात अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि तप करने के लिए पहाड़ों पर जाया करते थे और हिमालय पर्वत उनकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। तो आपके मन में ये बात आती होगी कि शायद एक सन्यासी को तप करने के लिए शांति चाहिए जो उन्हें पहाड़ों पर आसानी से मिल जाती होगी। परंतु दोस्तों, बात इतनी साधारण है नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। इसके कई गहरे आयाम हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, पूरी बात शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हमारे उपनिषदों में विवरण है कि हर इंसान के दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जिसे हम जानते हैं और दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसका हम अनुभव नहीं कर पाते। ये बहुत ही महीन तंतुओं का बना होता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर नए शरीर में प्रवेश करता है। दोस्तों, इस सूक्ष्म शरीर का जुड़ाव हमारे स्थूल शरीर से हमारी नाभि के द्वारा रहता है। तो दोस्तों, जब कोई सन्यासी ध्यान में उतरता है तो वो अक्सर अपनी आत्मा को शरीर से बाहर लाने का प्रयोग करता है। दोस्तों, अष्टावक्र ने महागीता में ये उल्लेख किया है कि जब कोई सन्यासी अपने आप को शरीर के बाहर से देख लेता है तभी उसे सत्य का ज्ञान हो पाता है। दोस्तों, आत्मा एक ऊर्जा है जिसका स्वभाव ऊपर की ओर गति करना है और शरीर पृथ्वी यानी पदार्थ से निर्मित होता है जिसका स्वभाव नीचे की ओर गति करना है। तो शरीर जितनी ऊंचाई पर होता है आत्मा का शरीर से जुड़ाव उतना ही कम हो जाता है और आत्मा को शरीर से बाहर लाने का प्रयोग उतना ही आसान हो जाता है। यही मुख्य कारण है कि हमारे ऋषि मुनि तप करने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर जाया करते थे। आत्मा जब शरीर से बाहर आती है तो नाभि के द्वारा शरीर से जुड़ी रहती है। दोस्तों, कैवल्य उपनिषद में ये विवरण है कि पहली बार जब आत्मा शरीर से बाहर आती है तो उसका पुनः शरीर में प्रवेश मुश्किल होता है और आत्मा का दोबारा शरीर में प्रवेश कराने के लिए एक विपरीत आघात या शॉक की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तांत्रिक जब ये प्रयोग करते हैं तो अपने साथ एक स्त्री को रखते हैं, क्योंकि स्त्री के स्पर्श से एक आघात उत्पन्न होता है जो आत्मा को शरीर में वापस लाने में सहायक होता है। दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि जब आत्मा शरीर से बाहर आती है और फिर वापस शरीर में जाती है तो शरीर और आत्मा का तालमेल उतना अच्छा नहीं रहता और शरीर की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि अक्सर योगियों की मृत्यु समय से पूर्व हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शंकराचार्य की मृत्यु 33 वर्ष की उम्र में हुई, परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि शंकराचार्य ने 30 वर्ष की उम्र में अपने शरीर से बाहर आने का प्रयोग किया था। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी ये प्रयोग किया और उनकी मृत्यु 36 वर्ष की उम्र में हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस भी अपने अंतिम दिनों में लगभग हर बीमारी से ग्रसित थे और रमन महर्षि की मृत्यु भी कैंसर से हुई। दोस्तों, जितने भी महापुरुषों की मृत्यु गहन बीमारियों या समय से पूर्व हुई है, संभव है कि इसका मुख्य कारण आत्मा का शरीर से बाहर निकालने का प्रयोग ही हो। दोस्तों, आज हम योग सिर्फ एक व्यायाम की तरह देखते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं, परंतु महर्षि पतंजलि ने योग की विधियां शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बनाई, बल्कि परमात्मा का अनुभव करने का मार्ग प्रशस्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, इन सभी बातों की सत्यता को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुद उस मार्ग पर चलकर देखें। दोस्तों, यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।